नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। देखो भैया, यहाँ पर काफी सवाल देखने को मिल रहे हैं, कुछ चीजों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में प्रवेश नवीनीकरण की तिथि बढ़ाई गई है, ध्यान रखिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक रिवेल के रिजल्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी के कब तक आएंगे, काफी बड़ा सवाल है। सप्लीमेंट्री के फॉरम कब तक आएंगे, इसको लेकर भी बात करेंगे। ध्यान रखिए, रिवेल रिजल्ट का सीरियल किस हिसाब से आता है, वो सारी चीजें मैंने बताई दी थी पहले भी, लेकिन फिर से इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा बात करूं, एक मैसेज पहुंच रहा है विद्यार्थियों के पास, प्रमोटेड अस्थाई प्रमोटेड प्रमोटेड जैसा मैसेज पहुंच रहा है, इस पर काफी विद्यार्थी सुबह से ही कॉल कर रहे हैं। हालांकि मैंने इस पर 2-3 वीडियो पहले ही बनाकर डाले हो, लेकिन देखे नहीं है शायद उन्होंने, काफी समय पहले डाले थे, 2 महीने पहले की बात हो गई, तो अभी कंफ्यूजन होगा, फिर से कंफ्यूजन हो चुका है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक बात कर लेते हैं कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 25% जो सीटें हैं बड़ी है, तो सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड लिस्ट आ गई तो क्या करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ध्यान रहे, वीडियो में अंत तक बने रहे, तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं अब टॉपिक वाइज, आपका पहला जो टॉपिक होने वाला है इस पे मैं बात कर लेता हूं। तो पहला टॉपिक है प्रवेश नवीनीकरण। देखो, प्रदेश के सरकारी जो कॉलेज होते हैं, प्रदेश के जो सरकारी कॉलेज होते हैं उसमें यूजी और पीजी, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर पीजी प्रीवियस और पीजी फाइनल का जब एडमिशन होता है तो एडमिशन की फीस जमा करवानी पड़ती है। लेकिन बात करूं, जब कोई विद्यार्थी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाता है, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाता है, पीजी प्रीवियस से पीजी फाइनल में जाता है, तो अगली कक्षा की रेगुलर विद्यार्थियों को एडमिशन फीस जमा करवानी होती है। उसके अंतिम तिथि पहले 21 अगस्त थी, ये ध्यान रखिए, जो जमा करवा दी, काफी विद्यार्थियों ने जमा करवा दिया लगभग लगभग, लेकिन काफी विद्यार्थियों ने भी जमा नहीं करवाई है, कुछ इंतजार कर रहे हैं रिवेल के रिजल्ट का, कुछ को लगता है कि मतलब कि थोड़ा समय और ले लेना चाहिए जमा करवाने में, तो ध्यान रहे इसकी डेट यहां पर जो 21 अगस्त थी उसके बाद में 4-5 दिन तक तो बड़ी नहीं थी, उसके बाद में फाइनली एक और नोटिस देखने को मिल रहा है, 31 अगस्त तक प्रवेश नवीनीकरण की डेट यहां पर बढ़ा दी है। ध्यान रखें, जिसने भी फीस जमा नहीं करवाई है रेगुलर विद्यार्थियों की, ये ध्यान रखें, वो जमा करवा देंगे, ये ध्यान रखें। ये बात हो गई प्रवेश नवीनीकरण की फीस जमा से लेकर, फर्स्ट ईयर से जो सेकंड ईयर में गया है, सेकंड ईयर से जो थर्ड ईयर में गया है, और पीजी प्रीवियस से जो फाइनल में गया है, उनको एडमिशन फीस जमा करवानी होगी रेगुलर विद्यार्थियों को, ये ध्यान रखें। जो गया है उसकी बात हो रही है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि सवाल जो निकल के आ रहा है कि प्रमोटेड अस्थाई प्रमोटेड जैसा सवाल आ रहा है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अस्थाई प्रमोटेड का मतलब क्या होता है भैया, कि जब किसी चीज का रिजल्ट नहीं आता है ना, उससे पहले ही आपको फीस जमा करवा लेते हैं अगली कक्षा की, तो हो गया अस्थाई प्रमोट, यानी कि अगर रिजल्ट में पास हुए तो आपका वो फीस काम आ जाएगी, अगर फेल हुए तो वो फीस आपको रिटर्न कर दी जाएगी। यह मैसेज पहुंच रहा है उन विद्यार्थियों के पास, लगभग लगभग सभी के पास पहुंच रहा है मैसेज, ध्यान रखें, अस्थाई प्रमोटेड जो फेल हो गए उनके पास भी पहुंच रहा है, जिन्होंने रिवेल लगा रखा है उनके पास भी मैसेज पहुंच रहा है कि भाई अगली कक्षा की फीस जमा करवाओ। मैसेज स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा मैसेज देखने को मिल रहा है जो पहुंच रहा है किसी विद्यार्थी का ही है, मैंने भी यहाँ पे मैसेज उससे स्क्रीनशॉट देखा, तो उसके बाद में सारी चीजें मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, चीजें मैंने बता दी हैं कि अगर आप पास हो गए तो आपकी फीस काउंट हो जाएगी ध्यान रखिए अगली कक्षा में, अगर आप फेल हो चुके हैं आपका रिजल्ट पहले आ चुका है, यानी कि आपका रिवेल का फॉर्म लगा रखा है और इंतजार कर रहे हैं कि पास हो जाएंगे, तो आप एडमिशन फीस जमा करवा दो ना, क्या दिक्कत है। अगर आपको लगता है कि आप फेल हो सकते हैं तो एडमिशन फीस भैया ध्यान रखिए आपको रिटर्न हो जाएगी, जमा करवा दीजिए। नहीं जमा करवाते हैं तो बाद में पता नहीं डेट बढ़े या ना बढ़े, अगर डेट नहीं बढ़ेगी तो फिर आपको नॉन कॉलेज हो जाएंगे, रेगुलर नहीं रहेंगे, ध्यान रखिए। प्रवेश नवीनीकरण वाला जो नोटिस है वो रेगुलर विद्यार्थियों का होता है, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का नहीं होता है। दो नोटिस की बात हो गई, अब बात करते हैं रिवेल रिजल्ट और सप्लीमेंट्री फोरम के बारे में। देखो भैया, मैंने 2 बार वीडियो बना के दिया है रिवेल रिजल्ट को लेकर और सप्लीमेंट्री को फोरम को लेकर, काफी यूनिवर्सिटी का सप्लीमेंट्री के फोरम चालू हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी का सप्लीमेंट्री का फोरम अभी तक चालू नहीं हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटी का मैंने देखा था, कल भी एक यूनिवर्सिटी थी उसके सप्लीमेंट्री के फोरम चालू है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी का सप्लीमेंट्री फोरम आज की डेट में चालू नहीं हुआ है, ध्यान रखिए 29 अगस्त तक चालू नहीं हुआ। उसका कारण है क्योंकि रिवेलेशन का रिजल्ट अभी देखने को नहीं मिल रहा है, ध्यान रखिए पहले बीकॉम का रिवेलेशन रिजल्ट आएगा, उसके बाद बीएससी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद बीए का रिजल्ट आएगा, जब बीकॉम और बीएससी का रिजल्ट आ जाएंगे रिवेल के, उसके बाद में सप्लीमेंट्री फॉर्म शुरू होगा, बीए का फिर उसके बाद में चलता रहेगा, ध्यान रखिए। इस तरीके से ये सप्लीमेंट्री का प्रोसेस हो गया। लेकिन अब रिवेल का रिजल्ट की बात कर लेते हैं, अब काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि 1 महीने से ज्यादा हो गया, तो मैं कहूं कि 2.5 महीने से ज्यादा हो गया बीकेएम के फॉरम को लगे हुए, रिवेलेशन फॉरम को लेकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी, लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो उनके भी समस्या है ना, उनको भी सवाल तो बनता है उनका, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं भैया। सबसे पहले रिवेल का रिजल्ट आने दो, एक बार यूजी का कोई एक रिजल्ट आने दो, उसके बाद में अंदाजे लगेगा कितने दिनों में रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है काफी समय हो गया तो बीकॉम के एक ही दिन तीनों रिजल्ट आ जाए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल के, ऐसा भी हो सकता है, केवल संभावना है, रिजल्ट आने दीजिए एक बार, उसके बाद में ही कोई पर्टिकुलर डेट हमें मिल पाएगी कि बाकी के रिजल्ट कब तक आएंगे बीएससी और बीए के, ठीक है। ये रिजल्ट से लेकर बात हो गई, कभी भी डेट फिक्स नहीं होती कि भाई किस दिन रिजल्ट आ जाएगा। बीए के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी भी पूछ रहे हैं आज ही, काफी इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेज देखे थे
तो उसमें सुनने को मिल रहा है कि बी ए फर्स्ट ईयर रिजल्ट कब आएगा, थोड़ा सा डिले होगा, ध्यान रखें पहले बीकॉम और फिर बीएससी फिर बीए देखने को मिलेगा। ये तीसरे सवाल की बात हो गई। चौथे सवाल की बात करते हैं कि प्रदेश के सरकारी कॉलेज, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में नए एडमिशन यहाँ पर यूजी के रहे हैं, ध्यान रखें फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन रहे उसमें 25% सीटें बढ़ी हैं भैया, ये बधाई के पात्र हैं आप सभी। और जिनका भी एडमिशन अटका हुआ था, वेटिंग लिस्ट में चल रहे थे, तो उनका नंबर लगभग यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अब क्या करना है इसके बारे में हम बात कर लेंगे, 25% सीटों का किस हिसाब से क्या होने वाला है। तो ध्यान रहे, देखो जहां पर वेटिंग लिस्ट चल रही थी ना, तो अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे भैया, ध्यान रहे ये लिस्ट ऑनलाइन देखने को नहीं मिलती है कि किस किस का कन्फर्म हुआ, वेटिंग से कन्फर्म जो होगा वह कॉलेज के माध्यम से पता चलेगा। जैसे एलबीएस कॉलेज का स्क्रीन पर आपको मैं पेज दिखा रहा हूं, आपको ये पेज है कि एलबीएस कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर में इस बार एडमिशन लिया था ना बीए बीएससी बीकॉम के, जो कैटेगरी वाइज इस परसेंटेज तक सभी का एडमिशन हो गया जो वेटिंग में चल रहे थे। ध्यान रखे मैन वालों का तो कंफर्म हो ही गया था, जो वेटिंग में चल रहे थे इनका एडमिशन हो गया। अब जिनमें खाली सीटें हैं उनपे फॉर्म लग जाएंगे, फिर जनरल से बढ़ देंगे, ध्यान रखे इस तरीके से बढ़ दिया जाएगा। लेकिन बात करूं बाकी जो कॉलेज, जैसे एलबीएस कॉलेज का मैंने बताया, बाकी जो प्रदेश के बहुत से कॉलेज 400 कॉलेज मतलब 400 प्लस कॉलेज हैं, तो उनका तो आपको कहां से पता करना पड़ेगा, अपने कॉलेज जाएंगे, अपने कॉलेज से पता करेंगे कि जो सर सीटें बढ़ी हैं उसकी लिस्ट कहां पे लगाई है, आपने नोटिस बोर्ड पे देखने को मिलेगी, लिस्ट नहीं लगाई है तो आजकल में देखने को मिल जाएगी। ध्यान रखें वो आपका एडमिशन कंफर्म कर देंगे, आपको बता देंगे कि कितने परसेंटेज तक एडमिशन हो गया है। तो अपने कॉलेज जाना है, कॉलेज के जो नोडल अधिकारी है उनसे बात कर लेंगे, या फिर जो एडमिशन प्रोसेस देख रहे हैं उनसे बात कर लेंगे। ध्यान रहे ये बात होगी चौथे पॉइंट से लेकर। तो सारी चीजें मैंने बता दी, ए टू जेड जो भी चार पॉइंट बने हुए थे, प्रवेश नवीनीकरण हुआ, रिजल्ट सप्लीमेंट्री से फोरम से बात हुआ, इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया, चार सवाल थे, एक मैसेज जो आया प्रमोटेड का इसके बारे में बात हो गई, एक 25% जो सीटें बढ़ी इसके बारे में बात हो गई। तो ध्यान रहे आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या सवाल चल रहे हैं फिर से लिख दीजिए सवाल, आपके सवालों का मैं इंतजार कर रहता हूं, क्योंकि आपके सवाल जब रहेंगे तो जवाब देने को मैं तैयार रहूंगा। तो इंस्टाग्राम आपका अपना है, वहां पे भी सवाल लिख सकते हैं, वहां पे भी जवाब आपको देखने को मिल जाता है। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम पर काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कॉलेज से रिलेटेड, सरकारी नौकरी से रिलेटेड और भी बहुत से डेली एजुकेशनल अपडेट्स जो होती हैं वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से देखने को मिलती है। मुझसे बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर पाएंगे, और कोई सवाल है तो चैनल पर कमेंट कर देंगे। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।